गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेद एसोसिएशन। पिछले लेक्चर के बाद ईसीजी का इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकली हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ईसीजी प्राइमरी लाइन है जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज का। तो बीइंग अ वैद्य ऐसा नहीं है कि हमें ये सब नहीं पता होना चाहिए, मॉडर्न का नॉलेज भी हमें इक्वली होना चाहिए। क्योंकि जब कोई पेशेंट हार्ट का अपने पास ईसीजी लेके आएगा तो एटलीस्ट क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है इतना तो भी समझना चाहिए। तो उसी के लिए हमने ये ईसीजी का लेक्चर सीरीज, जो बहुत सारे वैद्य को बीएमएस स्टूडेंट्स को क्रेज रहता है ये सीखने का, लेकिन सीख भी नहीं पाते, मुझे भी बहुत सारा नहीं आता है, तो इसीलिए ये लेक्चर सीरीज हमने चालू किया है। तो टुडे वी हैव डॉक्टर पूजा प्रभु, एमडी काय चिकित्सा स्कॉलर। शी इज डायनेमिक, मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एनी इन अ वेरी इजी वे। So I welcome her and request her to please start with the lecture. Pooja, please. Okay. Yeah, sure. Good morning, all. I appreciate your initiative towards ECG learning. Thank you so much, Dr. Subodh Pal Sirji, for introducing me. I will begin with the ECG series. Let's start from the basics. अब आप पूछोगे बेस तो बहुत बार सिखाया है, क्या ही सीखना है बेस में? बट एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि बिल्डिंग बनाने से पहले भी उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सिमिलरली अगर ईसीजी में एमआई, अरिदमियास या हार्ट ब्लॉक, बंडल ब्रांच ब्रॉक सब ढूंढना है तो उसके पहले बेसिक पता होना बहुत जरूरी होता है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने आप एक पूरा कार्डियक साइकिल देख सकते हैं। एक कार्डियक साइकिल में जनरली इतना वेव्स रहते हैं। फर्स्ट इज पी वेव, सेकंड आप देख सकते हो सामने पी आर सेगमेंट है, एक पी आर इंटरवल भी है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी है, एस टी सेगमेंट है, टी वेव है और क्यू टी इंटरवल है। ये सब कैसे बनता है और ये क्या क्या डिनोट करता है ये हम लोग आगे देखेंगे। बट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो पूरा एक कार्डियक साइकिल मैंने इसमें दिखाया है इसको अपने दिमाग में छाप लो। हमेशा नॉर्मली जब भी एक ईसीजी, जो नॉर्मल ईसीजी रहता है, वो आपके सामने आएगा तो सम वॉट वो ऐसे ही दिखता है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट्स, हमें क्या क्या याद रखना है। अब ईसीजी का फुल फॉर्म सबको पता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। उसमें जनरली होता क्या है, तो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज रहते हैं जिसका रिकॉर्डिंग हम नेकेड आईज से तो देख नहीं सकते। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ तो रहना चाहिए, राइट? तो उसके लिए आइंथोविन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को बनाया या इन्वेंट किया था, जिसमें हम लोग ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते हैं। वो एक स्पेसिफिकली डिजाइंड ग्राफ पेपर है जिसमें हम लोग हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें ये ग्राफ पेपर में दो एक्सेस रहते हैं। आपने कभी मैथ्स किया रहेगा तो ग्राफ पेपर याद करो, उसमें दो एक्सेस रहते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सिस जनरली डिनोट्स टाइम, यहाँ पे सेकेंड्स में रहता है, और वाई एक्सिस जनरली डिनोट्स वोल्टेज। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तो पूरा हार्ट करता है, राइट? बट हार्ट में भी कौन करता है, तो मायोकार्डियल सेल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इम्पल्स क्रिएट किया जाता है, इम्पल्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट किया जाता है। जनरली ये जनरेट कौन करता है, तो साइनो एट्रियल नोड, मैं आगे के पिक्चर में आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ पे प्लेस्ड रहता है। साइनो एट्रियल नोड में पेसमेकर सेल्स रहते हैं जो इम्पल्स बनाते हैं। अभी इम्पल्स भी कैसे बनता है हम आगे देखेंगे। दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल पार्टिसिपेट करते हैं। दो कंसेप्ट आपको इसमें याद रखना है, एक होता है डीपोलराइजेशन जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन रहता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो सेल रेस्ट में रहते हैं उनको चार्ज करना इज डीपोलराइजेशन। जब भी सेल में पॉजिटिव चार्ज होगा हम लोग उसको डीपोलराइजेशन बोलेंगे, और जब भी मसल रिलैक्स करेंगे या जब भी सेल में नेगेटिव चार्ज या सेल रेस्ट करेंगे तब हम लोग उसको रिपोलराइजेशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आप पॉइंट देख सकते हो कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल बताया। जो मैंने फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाया था वो पूरा एक साइकिल बनने में कितना सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड्स। ये जो वैल्यूज है ना ये आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट? उसमें तीन इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज एट्रिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल।
इसी को बोला जाता है डीपोलराइजेशन। ऊपर आप देख सकते हैं, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। प्लीज ये चार वैल्यूज आपको याद रखने हैं। कार्डियक साइकिल का पूरा ड्यूरेशन इज 0.8 सेकेंड्स, एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड्स, नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसी को बोलेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसी को बोलेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये पूरा कितना है? 0.3 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसी को बोलेंगे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, उसी को बोलेंगे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये कितना है? 0.4 सेकेंड्स। आई होप यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है। फास्ट हो रहा होगा तो आप मुझे बताना ताकि आई विल रिड्यूस माई पेस। नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ लीड्स है और एक आइंथोवेन ट्राइंगल है। जैसे मैंने बताया कि ईसीजी का इन्वेंशन आइंथोवेन साइंटिस्ट ने किया था, तो उसी ने एक आइंथोवेन ट्राइंगल भी बनाया। पर यहाँ पे जाने से पहले जो इम्पल्स वाला पॉइंट मैंने आपको बताया उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा बताती हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जनरली इम्पल्स जनरेट करने के लिए क्या होता है ना, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, ये कंसेप्ट याद रखना, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल वहां पे होना चाहिए, तभी इम्पल्स जनरेट होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल होता क्या है? मायोकार्डियल सेल्स जो है एक सेल से दूसरे सेल में जब भी करंट जाएगा, तब वहां पे आपने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिजिक्स याद करो, जब भी एक सेल से दूसरे सेल की तरफ करंट जाएगा तब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? अपने फिजियोलॉजी में पड़ा रहेगा, एक सेल है, बॉडी का एक सेल है, उसके बाहर वाली स्पेस को बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और बॉडी के अंदर वाली स्पेस को बोला जाता है इंट्रा सेलुलर स्पेस। ओके, तो इसमें चार आयोन्स, IONs, आयोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरिन। इसमें से पहले तीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, राइट? सोडियम प्लस है, पोटेशियम भी प्लस है, कैल्शियम 2+ रहता है और क्लोरीन एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। इसमें इम्पल्स कैसे जनरेट होती है? जनरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोडियम का लेवल सबको पता है कितना है, 135 to 145, पोटेशियम का कितना है, 3.5 to 5.5, क्लोरीन का कितना है, 95 to 110, और कैल्शियम का लेवल है 2। सिमिलरली इंट्रा सेल्यूलर कितना है? सोडियम 10 अमाउंट में रहता है, पोटेशियम 155, कैल्शियम 10^-4 और क्लोरीन 10 to 20 लेवल्स में। इससे हमें पता क्या चलता है कि सेल के बाहर सोडियम का अमाउंट ज्यादा है तो वो एक मेन आयन हुआ सेल के बाहर, और सेल के अंदर पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा है तो वो एक मेन आयन हुआ सेल के अंदर। तो जब भी सोडियम सेल के अंदर आएगा, सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, राइट? सेल जब भी रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज, रेस्टिंग पोटेंशियल हर सेल का नेगेटिव ही रहता है, ये याद रखना। ओके, तो अभी एक सेल हम लोग ने अज्यूम किया वो रेस्ट में है तो वो नेगेटिवली चार्ज है, जब भी उसको करंट लगेगा या उसको इम्पल्स जनरेट करना रहेगा तब क्या होगा, जो सोडियम सेल के बाहर है वो सोडियम सेल के अंदर आएगा। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन सेल के अंदर आया वो सेल क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, राइट? वो पहले रेस्ट पे था, वो नेगेटिव चार्ज था, जैसे ही सोडियम सेल के अंदर आया वो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ। अब ये पॉजिटिव करंट जो सेल के अंदर बना है वो क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, ऐसे वो ट्रैवल करेगा, है ना? तो सेल के अंदर कार्डियक सेल्स में एक स्पेसिफिक डिस्क रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करता है, जो एक्शन पोटेंशियल या जो पॉजिटिव करंट जो फॉर्म हुआ है उसको ट्रैवल करने में हेल्प करता है। ये पूरे कंसेप्ट को बोला जाता है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ओके, मतलब कि जो करंट पैदा हुआ सेल के अंदर उसको बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन आयोनिक करंट। ये करंट एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, ऐसे करके पूरे हार्ट के सारे सेल्स में फैल जाएगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट करेगा। इसको बोलते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें क्या रहता है, ये आप लीड्स देख सकते हो सामने स्क्रीन पे, देखिए
जनरली तीन टाइप ऑफ लीड्स रहते हैं बॉडी में, बायपोलर ईसीजी में बायपोलर लीड्स जो कि तीन है, लीड 1, लीड 2, लीड 3। बायपोलर का मतलब वो किसी दो पोल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट। जनरली ये लीड 1 है, आप डायग्राम देखो साइड में आइंथोविन ट्राइंगल बनाया है, जो लीड 1 का कनेक्शन है वो राइट आर्म से लेके लेफ्ट आर्म तक है, लीड 2 का जो कनेक्शन है वो राइट आर्म से लेके लेफ्ट लेग तक है, और लीड 3 का जो कनेक्शन है वो लेफ्ट आर्म से लेके लेफ्ट लेग तक है। ओके, मैं आपको बताती हूँ ये यहाँ पे माइनस प्लस क्या लिखा है, आगे बताती हूँ। ऑगमेंटेड वोल्टेज रीड्स लीड्स, मतलब वोल्टेज मतलब भी क्या रहता है, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज। यहाँ पे तीन ऑगमेंटेड लीड्स रहते हैं, AVR, AVL, AVF। इसके कुछ एक्सेस भी रहते हैं जो हम लोग आगे के सीरीज में देखेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। फिर यहाँ पे 6 प्रीकॉर्डियल या चेस्ट लीड्स, प्रीकॉर्डियल का मतलब चेस्ट के सामने लगाए जाते हैं, इसके लिए उनको प्रीकॉर्डियल लीड्स बोलते हैं, जो कि 6 है, V1, V2, V3, V4, V5, V6। आगे देखिए, मैंने लिखा है कि वहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ लिखा है, मतलब कि जो पहले के 6 लीड्स है, दैट इज फ्रॉम लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVR, AVL, AVF, वो बॉडी पे वर्टिकल एक्सिस में रहते हैं, और जो चेस्ट लीड्स है वो बॉडी पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहते हैं। ये पूरे ईसीजी में एक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो मैंने क्या बताया, अब ये माइनस प्लस क्या है, जब भी सेल्स रेस्ट में रहेंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज रहता है, राइट। ये हमें अज्यूम ही करना है, और ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये कॉन्सेप्ट ही ऐसे बना है कि जब भी सेल्स रेस्ट में रहेंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज। तो राइट आर्म की तरफ जो इम्पल्स बनाता है वो कौन है, साइनोएट्रियल नोड, वहां के पेस मेकर्स इम्पल्स बनाते हैं, वो सेल्स भी एट रेस्ट रहेंगे पहले, राइट। तो इसीलिए राइट आर्म का जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव रहता है। तो लीड 1 कैसे दिखाया है, जब भी करंट नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जब भी करंट टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाएगा वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहता है, और वो एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन ईसीजी में दिखाएगा। यहाँ पे क्लियर है सबको। नेक्स्ट लीड 2 देखो, लीड 2 में भी जो करंट है वो राइट आर्म मतलब साइनोइट्रियल नोड से वो बन रहा है, वो जाएगा लेफ्ट लेग की तरफ। तो जब भी करंट नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब लीड 2 भी मोस्टली पॉजिटिव ही रहता है। लीड 3 में भी देखिए, जो करंट है वो लेफ्ट आर्म की तरफ है, लेफ्ट आर्म में जो करंट है ना, जब आप हार्ट का एक्सिस देखते हो तो जनरली लेफ्ट आर्म का जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव से करंट जब भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन रहेगा, राइट। तो लीड 3 भी मोस्टली नॉर्मली सारे ईसीजीज में नेगेटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ही पहला दिखाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है, जो नहीं समझे वो प्लीज बता देना मैसेज में, मैं देख लूंगी। नेक्स्ट, ये तो काफी बेसिक है, प्लेसमेंट ऑफ लीड्स। इसमें याद क्या रखना है कि थोड़े पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि जो चेस्ट लीड्स है, V1 कहाँ पे रहता है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ स्टर्नम। V2 कहाँ पे रहता है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। अब V4 पहले देखो कहाँ रहता है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। जो V3 है वो V2 और V4 की इक्वी डिस्टेंस पे लगाया जाता है। V5 जो है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और V6 जो है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। ओके, ये थोड़े उनके प्लेसमेंट्स हैं। उसी के साथ लिम्ब लीड्स भी हमें पता रहता है, उसका एक सीक्वेंस है RBGY, याद रखना है, R फॉर रेड, R फॉर राइट आर्म। तो R वाला इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो हम लोग राइट आर्म में लगाएंगे, जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोड रहता है वो राइट लेग में जाएगा, जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रोड रहता है वो लेफ्ट लेग में जाएगा, और जो येलो कलर का इलेक्ट्रोड रहता है वो लेफ्ट आर्म में जाएगा। इसमें याद क्या रखना है कि जो जेल रहता है ईसीजी लगाने लीड्स लगाने के पहले एक जेल दिया जाता है, वो जेल लगाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ना कार्डियक या हार्ट के अराउंड पैदा हुई रहती है उसको हमें रिकॉर्ड करना रहता है। अब वो ही इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वोल्टेज है वो काफी कम रहता है, हमें कभी शॉक तो लगता नहीं है, राइट। तो
वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो जनरेट हुई है वो पूरे स्किन में ट्रेवल करती है। अब इलेक्ट्रोड्स जब भी लगाएंगे तो वहां पे कंडक्टिंग एलिमेंट कुछ तो होना चाहिए, तो इसीलिए वो जेल हम लोग लगाते हैं, तो जो जेल का क्वांटिटी है वो अच्छा खासा रहना चाहिए। जो भी लिम लिड्स लगा रहे हो, जो मैंने सिक्वेंस बताया RBG5 का, वो लिम लिड्स हमेशा याद रखना बोनी प्रोमिनेंस, जैसे कि व्रिस्ट जॉइंट या मेलियोलस के ऊपर, एंकल जॉइंट के ऊपर कभी भी नहीं लगाना, हमेशा वन फिंगर अबाव लगाना उसको, वरना कंडक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड का प्रॉपर होता नहीं है। याद रखना पेशेंट जो भी ले रहे हो, सारे मेटल्स निकालने बोलना है पेशेंट को, और पेशेंट को एक प्रॉपर रेस्टिंग सुपाइन पोजिशन देना है। ये बेसिक चीज याद रखनी है ईसीजी निकालने से पहले। कभी कभार ऐसे रहता है पेशेंट को बेड पे लिया है, पेशेंट का पैर जो है वो बेड के मेटल कंडक्टर पे चिपका रहता है, तो ये भी याद रखना कि पेशेंट का जो पैर है वो मेटल कंडक्टर के ऊपर ना चिपका रहे। ठीक है, नेक्स्ट, ये कंडक्शन पाथवे है, ये हमेशा याद रखना है। आपने कभी सुना रहेगा कि साइनस रिदम, साइनस अरिदमिया। साइनस का मतलब क्या होता है? जब भी इम्पल्स साइनो एट्रियल नोड पे जनरेट होती है या उस नोड से जनरेट होती है, तब हम लोग बोलते हैं साइनस। ऐसा होता है क्या एवी नोड से भी जनरेट होंगी इम्पल्सेस? हाँ होंगी, पर वो पैथोलॉजिकल है, वो हम लोग आगे सीरीज में देखेंगे। तो यहाँ पे कंडक्शन पाथवे है, हमेशा कंडक्शन का जो स्टार्ट पॉइंट है साइनो एट्रियल नोड ही रहेगा, जो सुपीरियर वेना कावा के नीचे है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, राइट, जो राइट एट्रियम में होता है। फिर एट्रोवेंट्रिकुलर नोड में ये करंट जाएगा, जो कि लोकेशन है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर वहां से जो करंट है लेफ्ट बंडल ब्रांच की तरफ पहले जाता है। याद रखना इसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच डोमिनेंट रोल प्ले करता है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है जब मैं वेव्स पढ़ाऊंगी तब आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट, लेफ्ट बंडल ब्रांच से करंट कहाँ जाएगा? राइट बंडल ब्रांच की तरफ जाएगा। जब दोनों बंडल ब्रांच में करंट आएगा, उसके बाद वो पर्किंजे फाइबर्स में जाएगा। पर्किंजे फाइबर्स से ये करंट डीप लेयर्स ऑफ हार्ट में जाता है, वहां से वो करंट अपेक्स में जाएगा। अपेक्स से ये करंट पूरा बेस ऑफ द हार्ट, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है वहां पे जाएगा। ऐसे करके ये पूरा एक कंडक्शन पाथवे हुआ। ये जब एक पूरा पाथवे कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ, जो कि 0.8 सेकेंड्स मैंने आपको सिखाया है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो तीन कंसेप्ट मैंने आपको बताया, दैट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिक्युलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, और आपको यही आज के पूरे लेक्चर में कंसेप्ट क्लियर करना है। अब डीपोलराइजेशन में जनरली होता क्या है? अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल सेल्स बनाए हैं, अभी आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उधर रहना चाहिए। मैंने सेल के स्टार्ट में करंट को अप्लाई किया, ठीक है, अज्यूम करना है कि मैंने वहां पे एक सम अमाउंट मिली वोल्ट्स ऑफ करंट वहां पे लगाया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, और उसका ईसीजी में हमें वेव्स क्या दिखेंगी, ये कंसेप्ट यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जब मैं सेल्स के स्टार्ट में करंट लगाती हूँ, मैंने आपको क्या बोला, सारे सेल्स कार्डियक के, याद क्या रखना है, रेस्टिंग पोटेंशियल में। जब वो काम नहीं कर रहे हैं मतलब वो रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्टिंग पोटेंशियल में सेल्स का चार्ज हमेशा नेगेटिव रहता है। ओके, तो मैंने ये सेल के स्टार्ट में करंट लगाया, तो पहला वाला सेल हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेगा। जैसे ही मैं करंट लगाऊंगी उधर, क्या होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन आयोनिक करंट, मतलब सोडियम सेल के अंदर आएगा। जब भी सोडियम सेल के अंदर आएगा तो सेल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, राइट। तो ये करंट जो कि एक नेगेटिव सेल पे लगाया है, वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव जाएगा, हर एक सेल खुद को पॉजिटिव करता जाएगा। तो जब भी करंट टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा, हमें ईसीजी में एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा, राइट। आप देख सकते हैं उधर मैंने बनाया है एक पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये एक कंसेप्ट हुआ डीपोलराइजेशन का। सेकेंड, एक और कंसेप्ट है डीपोलराइजेशन का, अगर यही करंट मैंने पॉजिटिव सेल पे लगाया, जो सेल ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर मैंने उसी पे करंट लगाया, तो क्या होगा, ये सेल क्या करेगा, जो भी पॉजिटिव करंट है वो सेल का डायरेक्शन देखो नीचे, वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव साइड से करंट को टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड या अवे फ्रॉम द पॉजिटिव साइड लेके जा रहा है ना। नीचे देखिए एरो का डायरेक्शन कैसे बनाया है, तो जब भी करंट पॉजिटिव साइड पे लगाया तो है मैंने बराबर, पर वो करंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या
टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड जाएगा, तब हमें ईसीजी में क्या दिखेगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा, दैट इज डाउनवर्ड वेव दिखेगी. नेक्स्ट, ये दो कंसेप्ट हुए डीपोलराइजेशन के. ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना, जब भी क्यू पी की पी वेव, क्यू आर एस वेव या टी वेव बनती है, तो वो अपवर्ड ही क्यों रहती है, वो डाउनवर्ड ही क्यों रहती है, या वो डाउनवर्ड कब पैथोलॉजी उसका डाउनवर्ड है, कब पैथोलॉजी उसका अपवर्ड है, ये जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब रीपोलराइजेशन में जनरली क्या होता है? रीपोलराइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया, कि सारे सेल्स रिलैक्स हो रहे हैं, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं. तो जब भी सेल्स रिलैक्स होंगे, उनके अंदर नेगेटिव चार्ज आना इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने करंट तो लगाया है पॉजिटिव साइड पे, बट ये सारे सेल्स को अभी क्या करना है, धीरे धीरे करके रिलैक्स होना है ना. तो जब भी सेल्स रिलैक्स होंगे, तो एक सेल तो रिलैक्स नहीं होगा, जो भी करंट है वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल ऐसे जाएगा. धीरे धीरे करके सेल्स रिलैक्स होंगे, एक साथ ही सारे सेल्स रिलैक्स नहीं होंगे. तो जब भी करंट मैंने पॉजिटिव साइड पे तो लगाया है, बट पूरे सेल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, यानी कि पूरा सेल रिलैक्स होना चाहेगा, तब भी हमें क्या दिखेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा. मतलब क्या, ये सारा सेल नेगेटिवली चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, तो हमें पॉजिटिव ईसीजी में अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखेगा. बेसिक याद क्या रखना है, जब भी करंट टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जाएगा, हमें अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखेगा. जब करंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव साइड जाएगा, हमें डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दिखेगा. और जब भी करंट दिया तो पॉजिटिव साइड है, बट सेल्स को रेस्ट करना है, तो वहां पे करंट कैसे जाएगा, नेगेटिव सेल से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो भी हमें अपवर्ड डिफ्लेक्शन ही दिखेगा. इतना आपको क्लियर है सबको? अब ऐसा तो नहीं है कि ईसीजी में सिर्फ हमें ऊपर नीचे के लाइंस दिखते हैं, कभी कभी हमें ईसीजी में स्ट्रेट लाइंस भी दिखते हैं. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, या तो उस समय के लिए, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वहां पे कुछ करंट आया ही नहीं, या वहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई ही नहीं, या जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है, जो करंट वहां पे आया है, उसका जो मोशन है, यानी कि वो जो ट्रैवल कर रहा है, वो हार्ट के परपेंडिकुलर एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, तब हमें फ्लैट लाइन मिलती है, या इसी फ्लैट लाइन को बोला जाता है आइजो इलेक्ट्रिक लाइन. ओके, नेक्स्ट. ये मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं, मेरी ड्राइंग्स इतनी आर्टिस्टिक नहीं है, बट काम चलाओ है. ठीक है, तो ये हम लोग ने हार्ट का क्रॉस सेक्शन लिया है. सबको पता है हार्ट क्या स्ट्रेट अपने कैविटी में प्लेस्ड है क्या? नहीं, वो स्लाइटली टिल्टेड है ना. तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड्स भी लगाए हैं. आप पूरा डायग्राम पहले एक बार क्लियर कट देख लो, ताकि आगे का कंसेप्ट समझने में आसानी हो जाएगी. राइट आर्म जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, और लेफ्ट लेग का इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है. ये दोनों कंसेप्ट पूरे ईसीजी में याद रखनी है. ठीक है, अब इम्पल्स कहाँ पे जनरेट हुआ? एसए नोड में इम्पल्स जनरेट हुआ, और एवी नोड में इम्पल्स जाएगा, है ना. तो एसए नोड में एरोस देखो डायग्राम में, ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट तो हुए हैं. अब ये इम्पल्स को क्या करना है, दोनों एट्रिया में इलेक्ट्रिकल करंट को पहुंचाना है, ताकि उतने एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जनरेट हो और दोनों एट्रिया सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, है ना. तो साइनो एट्रियल नोड में इम्पल्स तो बना, ये करंट राइट एट्रियम में भी गया, लेफ्ट एट्रियम के सेल्स में भी गया. कभी देखा होगा डायग्राम फिजिक्स में, हम लोग करंट जब बनाते हैं तो उसका एक वेक्टर निकलता है. वेक्टर मतलब एवरेज करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो राइट एट्रियम जो कि एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, साइनो एट्रियल के सेल्स है जो रेस्ट में थे, वो भी नेगेटिवली चार्ज है, उसमें अभी इम्पल्स आया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हुए. तो ये करंट जो ऐसे नोड से लेके एवी नोड में, उसका एक वेक्टर है, एवरेज वेक्टर आप देख सकते हो, जो कि लेफ्ट लेग के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है. तो ये करंट क्या हुआ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, जो सारे सेल्स को पॉजिटिव चार्ज देगा, है ना. तो पॉजिटिवली चार्ज हुए सारे सेल्स, और ये सेल्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही जा रहे हैं. उसका एवरेज वेक्टर जो है, जो एवी नोड की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है. तो मैंने क्या सिखाया आपको, पॉजिटिव करंट पॉजिटिव की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा, तो हमेशा
अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। इसी को बोला जाता है पी वेव। और ये क्या इंडिकेट करता है, तो एट्रिया के सारे सेल्स रेडी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, और इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। एट्रिया के सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं तो उसको बोलेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो हमेशा जनरली सारे लेंस में आप देखेंगे तो पी वेव अपराइट रहती है। अज्यूम करो अभी ये जो मैं डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का पॉइंट सिखा रही हूँ, ये जनरली लीड टू का सिखा रही हूँ, क्योंकि लीड टू है ना, हम लोग हार्ट के रिदम या फिर कार्डियक साइकिल प्रॉपर है नहीं है ये जानने के लिए हमेशा लीड टू पे फोकस किया जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अज्यूम करना मैं सारे का सारा लीड टू सिखा रही हूँ यहाँ पे। अब ऐसा हुआ कि पी वेव जनरेट तो हो गया। अब पी वेव के आगे ना एक सेगमेंट रहता है जिसको बोला जाता है पी आर सेगमेंट। तब इसमें क्या रहता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसए नोड से एवी नोड की तरफ आई है। अब ये एवी नोड क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसकी तरफ आए हैं वो वेंट्रिकल्स को पास करने से पहले एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अपने पास होल्ड करके रखेगा। इसी के लिए जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है, जब एवी नोड वो करंट को अपनी अपने पास होल्ड करके रखता है, तब अपने को एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पी आर सेगमेंट। ये देखिए पी आर सेगमेंट जो कहाँ से स्टार्ट होता है, पी वेव के एंड से स्टार्ट होता है और आर वेव के स्टार्टिंग में रहता है। जो एवी नोड ने करंट होल्ड करके रखा है उसको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही यहाँ पे एक पी आर इंटरवल भी रहता है जो पी वेव के स्टार्टिंग से रहता है और आर वेव की स्टार्टिंग तक रहता है। इसको बोला जाता है पी आर इंटरवल, जो कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका ईसीजी में, पी आर सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या देखना है, क्यू वेव। क्यू वेव है, हम लोग बोलते हैं हाँ यार सारे ईसीजी में क्यू वेव आया मतलब कि वो पैथोलॉजिकल ही रहेगा। नहीं, क्यू वेव कौन से लीड में आया है, उसका कितना लेंथ है और क्यू वेव का कितना विड्थ है, इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्यू वेव पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है। अभी एवी एट्रोवेंट्रिकुलर नोड में करंट तो आया, ये करंट क्या करेगा, मैंने आपको जो कंडक्शन पाथवे बताया, ये करंट लेफ्ट ब्रांच बंडल ब्रांच में पहले जाएगा। लेफ्ट बंडल ब्रांच डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट होने की वजह से लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या करेगा, ये करंट को राइट बंडल ब्रांच में लेके जाएगा। आप वहां पे डायरेक्शन देख सकते हो है ना, एवी नोड से करंट जो पॉजिटिव करंट जनरेट हुआ है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच की तरफ तो आया, लेफ्ट बंडल ब्रांच से वो कहाँ गया, राइट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच का थोड़ा एक्सेस देखो कहाँ है, टुवर्ड्स राइट अपर राइट आर्म की तरफ। राइट आर्म क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जो भी करंट है पॉजिटिव करंट जो एवी नोड में हम लोग ने जनरेट किया है वो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। तो जब भी करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा उसका डिफ्लेक्शन ईसीजी में नेगेटिव ही आता है। तो जो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन ईसीजी में हमें दिखता है ना, वो जनरली क्यू वेव रहती है। ओके, याद रखना ये कंसेप्ट। क्यू वेव क्या दिखाती है, सेप्टल डीपोलराइजेशन। मतलब एट्रिया तो रेडी हो गया कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ऊपर के जो सेप्टम है उसको रेडी करना है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो क्यू वेव इंडिकेट्स सेप्टल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पूरा कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है, कि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया। उसमें हम एक एक वेव को देखेंगे। आर वेव क्या दर्शाता है, अब जो करंट है एसए नोड में जनरेट हुआ, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ब्रांच की तरफ करंट आया। अब बंडल ब्रांच से वो करंट कहाँ जाएगा, पर्किंजे फाइबर्स पे। पर इसका एक्सेस देखो कैसा है, ये जो करंट यहाँ पे जनरेट हुआ है ब्रांच में, दोनों बंडल ब्रांच में जो करंट जनरेट हुआ है ना, वो करंट पर्किंजे फाइबर्स में जाने से पहले उनका जो करंट है वो वेंट्रिकुलर एक्सेस में जाएगा। जो करंट है वो वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल्स का जो एक्सेस है वो आउटवर्ड तरफ, आउटवर्ड्स है, यानी कि जो एक्सेस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो जो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में करंट फॉर्म हुआ है वो पॉजिटिव करंट है, वो जा भी रहा है लेफ्ट लोअर लेफ्ट लेग के इलेक्ट्रोड की तरफ जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो आर वेव हमेशा अपवर्ड रहती
है ना, पॉजिटिव करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ईसीजी में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज एस वेव। एस वेव देखने के लिए देखो, पर्किंजे फाइबर्स में करंट अभी आ गया, अब ये करंट कहाँ जाएगा, अंदर हार्ट के अंदरी हिस्से में, दैट इज बेस ऑफ द हार्ट में जाएगा, हार्ट के डीपर लेयर्स में जाएगा। बेस ऑफ द हार्ट का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ रहता है ना, और जो हार्ट के डीपर लेयर्स है हार्ट के, वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो ये करंट तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज करंट जब टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी के बेस की तरफ, बेस वाला इलेक्ट्रोड राइट अपर आर्म की तरफ है, तो जब भी करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा हमें ईसीजी में नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो हमेशा आर वेव अपवर्ड रहता है और एस वेव नीचे की तरफ रहता है। लास्ट इज एसटी सेगमेंट। अब ये करंट बेस पे तो गया, तो क्या एट्रिया ने तुरंत ये किया क्या, कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? नहीं, ये करंट को होल्ड करते हैं। दोनों मायोकार्डियम वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है, जैसे हम लोग ने देखा कि पीआर सेगमेंट है वैसे ही एक एसटी सेगमेंट होता है वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये करंट को होल्ड करके रहता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं रहती है। तो ये एसटी सेगमेंट सारे लीड में जनरली स्ट्रेट लाइन रहता है, जिसे उसी को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। नेक्स्ट इज टी वेव। टी वेव में क्या होता है, जो भी करंट अभी सब सारा करंट पॉजिटिव है, तो सारे सेल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, अभी सारे सेल्स को रेस्ट करना है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो जब भी सेल्स को रेस्ट करना है वो नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। टी वेव क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, सारे सेल्स नेगेटिव चार्ज हुए, जब भी सेल्स नेगेटिव चार्ज रहेंगे और ये सेल्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या बनाएगा, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, दैट इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो इसीलिए टी वेव पॉजिटिव दिखती है, दैट इज अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखता है ईसीजी में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ का लेक्चर आज का इतना ही है, एटलीस्ट ईसीजी में आप लोग डिफ्लेक्शन तो देख सको। थैंक यू सो मच, आई विल एंड माय लेक्चर हियर। हेलो डॉक्टर सुबोध, यू मे कंटिन्यू इफ यू वांट टू एंड द स्लाइड। मुझे तो समझा अच्छे से, क्योंकि मेरा पहले से थोड़ा बेसिक था। होप आप सब सबको भी अच्छे से थोड़ा समझा होगा। फिर भी जिसको नहीं समझा, उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे। इसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।